वेल सबको ऑडिबल हो रहा हो बेटा मैं यस और नो वेल गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा मैं क्लियरली ऑडिबल हूं यस बेटा गुड आफ्टरनून आशीष suhani nigam good afternoon जस्ट मिनट बेटा वॉइस क्लियर आ रही है कि आप सबको वॉइस क्लियर आ रहा है सबका बेटा यस yes, शिवम मुकुल सुरभि जयराम सबको वॉइस क्लियर है चलो बढ़िया यहाँ पे पहले तो ये बता दो बेटा कि एक सवाल आया सर ये क्लासेस फ्री है बेटा ये डेमो क्लासेस है और यहाँ पे जैसा आज का सेशन और कल का सेशन हमारा डेमो का लास्ट सेशन है और इसके बाद जो है आपको अगर बाय करना है या इंटर के क्लासेस पूरा ग्रुप बाय करना है तो आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पर आके ये सभी क्लासेस बाय कर सकते हो ठीक है यस गौरव वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग राम राम जी बेटा राम राम चिराग मीनू पीड़ी क्लासेस जो है डेस्कटॉप पे नहीं चलते हैं ये लैपटॉप पे या टैब लैपटॉप पे ही चलते हैं सॉरी पीड़ी क्लासेस लैपटॉप पे ही चलते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हमारा डिस्कशन आर यू रेडी ओके चलो जो भी हमने पढ़ा मैं फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूं तो बच्चों स्टार्ट करें आर यू रेडी जोर से बोलो जय माता दी हाउ इज द जोश हाय सर तो यहां पे चलिए बेटा यहाँ आ, हमने क्या क्या देखा था हमने सबसे पहले डिफरेंस देखा था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी हमने ये डिस्कशन किया था ओके आप आई होप सेशंस कंटिन्यूस देख रहे होंगे उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने देखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हमने देखी थी नेक्स्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आपको याद होगा तो आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246 हमने इसका डिस्कशन किया था ओके okay. न उसके बाद में अगर आपको याद होगा तो हमने इस पर भी डिस्कशन किया कि इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर आईडीटी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी जीएसटी के पहले किस तरह से एक्साइज वैट सर्विस टैक्स वगैरह लगते थे इसका भी जो है हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया था उसके बाद में अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने फिर जीएसटी कैसे आया जीएसटी एस एज ए वन नेशन वन टैक्स वन मॉडल वन टैक्स वन मार्केट कैसे आया और ये ड्यूअल मॉडल में लाया गया ये ड्यूअल मॉडल में लाया गया इसके ऊपर हमने बात की फिर आईजीएसटी के स्पेशल फीचर की बात की आईजीएसटी जी एस टी इंटरस्टेट पर लाया गया इस पर भी हमने बात की ओके okay, फिर अगर आपको याद होगा तो आई जी एस टी इंटरस्टेट मॉडल पर लाया गया नेक्स्ट हमने ओके okay, इस पर भी बात किया अगर आपको याद होगा तो जैसे जीएसटी मॉडल में सी जी एस टी एस जी एस टी उसके बाद में अलग अलग गुड्स पे अलग अलग टैक्सेस कैसे लगते हैं ओके okay, जैसे अगर हम बात करें गुड्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल होगा तो अल्कोहल का होगा तो इसके ऊपर जहाँ तक बात जी की करें तो जी नहीं है एक्साइज है एक साइज है और वैट है ओके okay. एक साइज वैट या सीएसटी। हम जिसकी भी बात करें तो एक साइज सेंट्रल है ओके okay. एक साइज सेंट्रल है और वैट और सीएसटी ये भी है अगर हम बात ओके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करें ओके अगर हम बात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करें बेटा तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं है और सेंट्रल एक है और सेंट्रल एक वैट और सी है अगर हम बात टोबैको प्रोडक्ट की करें तो टोबैको प्रोडक्ट के केस में अगर आपको याद होगा तो टोबैको केस में जीएसटी भी है और सेंट्रल एक्साइज भी है ओके वैट और सीएसटी नहीं है और अगर हम बात ओपीएम की करें बेटा तो ओपीएम में जीएसटी भी है स्टेट एक्साइज़ है ओके मेरी गलती होगी बेटा अल्कोहल में स्टेट एक्साइज है गलती से सेंट्रल आ गया ओके अल्कोहल में स्टेट एक्साइज़ है ओके okay, यहाँ पे ओपीएम में स्टेट एक्साइज है ओके okay, पर वैट और सीएसटी नहीं है तो एक छोटा सा टेबल बड़ा काम का टेबल है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है फिर हमने जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखी ओके okay, जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थी ओके okay, तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स ओके तो इसके आर्टिकल्स आपको याद आते होंगे तो आपको यहाँ पर ओके जी में पहले सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद रखना है आर्टिकल 246 ए और आर्टिकल 246 ए ये पावर देता है कि आप जीएसटी लगा सकते हो ओके okay, उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपको आर्टिकल याद होगा तो आर्टिकल टू ए आर्टिकल 269 ए में बेटा ओके यहाँ पे ये जीएसटी लगाने का पावर दिया सेंट्रल और स्टेट को या आईजीएसटी के बारे में उन्होंने कहा 269 ए में उसके बाद में यहाँ पे आर्टिकल 366 में ओके कुछ डेफिनेशन दी जिसमें जीएसटी का भी डेफिनेशन दिया कि अल्कोहल पे कभी टैक्स नहीं आएगा और उसके बाद में आर्टिकल टू ए आर्टिकल 279 ए की अगर बात करें तो वो जीएसटी काउंसिल किस तरह से बनाया जाएगा आई रिपीट जीएसटी काउंसिल किस तरह से बनाया जाएगा उसका डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दिया है और फिर हमने जिनेसिस ऑफ जीएसटी वगैरह देखा ओके फिर जीएसटी में हमने स्पेसिफिक ओके इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई पर डिस्कशन किया उसके बाद में आई टी हमने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म पता होगा तो उसमें हमने बिना आईटीसी के कैसे डबल टैक्सेशन होते थे और आईटीसी मिलने के बाद क्या बेनिफिट हुआ ओके okay, तो ये हमने देखा और अब टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन आई रिपीट टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन ओके उतना ही रहेगा तो चलो इतना डिस्कशन हमने यहाँ तक किया यहाँ तक सबको क्लियर है यस और नो जोर से बोलो सर ओके okay, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक चलो बहुत अच्छी बात है यहां तक का डिस्कशन हमने डिटेल में किया चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नहीं अल्कोहल बेटा स्टेट रेडी नहीं थी अल्कोहल के केस में एक बात बता दो यहाँ पे दुर्गा अल्कोहल के केस में स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी नहीं थे कि भाई वो टैक्स मर्ज किया जाए जीएसटी में क्यों क्योंकि जीएसटी में अगर मर्ज कर दिया गया अल्कोहल को तो 50 परसेंट सेंट्रल को जाता है और फिफ्टी परसेंट स्टेट को जाता है तो अल्कोहल का रेवेन्यू इंडिपेंडेंस से यानी 1950 से लेकर अभी तक एक्साइज और वैट का रेवेन्यू स्टेट के पास था और वो उसको मर्ज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था ओके okay, यहां तक आई बात समझ में आपके चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अब आइए बेटा यहां पे प्रॉब्लम इन टैक्स क्रेडिट सिस्टम टाइटल ध्यान से देखिएगा चलो मैं सबका ध्यान चाहूंगा ओके प्रॉब्लम इन टैक्स क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया बिफोर फर्स्ट जुलाई टू ओके हमने एक जुलाई 2017 के पहले सर ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी इंडिया में कब आया कब आया बोलो जीएसटी इंडिया में फर्स्ट जुलाई 2017 को रात को 12 बजे मोदी जी ने कहा कि आज से जीएसटी लगा दिया जाएगा तो एक जुलाई 2017 के पहले कौन कौन से टैक्सेस थे गुड्स पे और सर्विसेस पे ये मैंने आपको पढ़ाया ओके ये पूरे डेमो लेक्चर में जनरल डिस्कशन ही है बेटा मैं थोड़ा आपको जीएसटी का अवेयरनेस क्रिएट करूंगा वही बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसे में, एक जुलाई दो हजार सत्रह के पहले जहां तक देखा जाए तो यहां जीएसटी का जो है जीएसटी का यहां जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ उसके पहले अलग अलग टैक्सेस थे लेकिन ओके आगे का कंसेप्ट पढ़ने के पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि एक जुलाई दो के पहले ओके पहले एक्साइज में वैट में सीएसटी में क्या प्रॉब्लम चलते थे और जीएसटी ने सबको कैसे फायदा करवाया ओके सो तो आप ये सुनने के लिए रेडी हो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन बड़ा मजा आएगा आपको सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओके अब एक आगे बढ़ने के पहले एक कंसेप्ट आपका ध्यान लाना चाहूंगा क्या समझ लो आप ट्रेडर हो ट्रेडर हो हो जो भी हो आपने गुड्स खरीदा ओके जब गुड्स खरीदा उसकी वैल्यू थी यानी आपने आपका इनवर्ड हुआ इनपुट हुआ इनपुट यानी क्या होता है आपने पता चल आपको पता है वैल्यू थी एक लाख रुपए और उसके ऊपर टैक्स आया टैक्स एट द रेट ट्वेल्व परसेंट और बारह हजार रुपए आउट, आउट किया तो आपने दो लाख एक लाख का माल खरीदा ओके अब ख्याल रहे ओके आ, मैं फिर से यह बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर इनपुट टैक्स के क्रेडिट नहीं दिए ओके अगर आपने ध्यान से सुनिएगा अगर आपने यहां पे इनपुट टैक्स के क्रेडिट नहीं दिए तो वो कॉज बन जाती है हमने देखा ट्रांजेक्शन विथ वैट ट्रांजेक्शन विदाउट वैट आई रिपीट ट्रांजेक्शन विथ वैट ट्रांजेक्शन विदाउट वैट ये कंसेप्ट हमने देखा तो ऐसे सिचुएशन में बेटा अगर आपने ध्यान से सुनिएगा इसका क्रेडिट नहीं दिया तो वो कॉस्ट बन जाती है ओके तो यहाँ पे कॉस्ट हमारी कितनी अगर क्रेडिट नहीं है दो सेकंड के लिए मान लो कि क्रेडिट नहीं है तो ये कॉस्ट कितनी बन जाती है बेटा हमारा एक लाख बारह हजार रुपए कॉस्ट बन जाती है फिर जो भी हमारा वैल्यू एडिशन होगा वैल्यू एडिशन समझ लो मेरा यहाँ पे ओके आठ है और मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके नॉलेज के लिए इसका बारह हजार का क्रेडिट नहीं दिया गया और मेरा वैल्यू एडिशन है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट मिला के आठ हजार रुपए यानी मेरी सेल प्राइस हो जाएगी और मेरी सेल प्राइस बेटा यहां पे कितनी हो जाएगी एक और एक पे फिर से टैक्स आ जाएगा क्योंकि मैं आगे बेच रहा हूं ओके okay, सो so, यहां पे 12 परसेंट से मैं फिर से टैक्स ले लूंगा तो एक लाख बीस हजार का जो टैक्स है ओके okay, अगर आप कैलकुलेट करोगे जस्ट मिनट आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा एक लाख बीस हजार इंटू सॉरी एक लाख बीस हजार इंटू बारह परसेंट तो यहाँ पे एक लाख चौवालीस हजार रुपए सॉरी चौदह हजार चार सौ रुपए जो है ओके टैक्स लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा ओके तो एक लाख बीस हजार प्लस चौदह हजार चार सौ यानी अगर देखोगे तो एक लाख चौंतीस हजार चार सौ जो है ओके ये आपकी प्राइजेस भी बढ़ जाती है और यहाँ यानी कस्टमर के लिए प्राइजेस भी बढ़ जाती है और कैस्केडिंग इफेक्ट भी लग जाता है और सेम वैल्यू पे डबल टैक्स आ जाता है इसके बारे में हमने बात किया था ओके तो इट बिकम अ कॉस्ट और उसकी प्राइजेस बढ़ जाती है अब आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ बेटा और ऐसा बहुत हुआ आपने बहुत सी बार बिजनेस में देखा होगा पहले तो बहुत ज्यादा देखा होगा विद बिल विदाउट बिल ये प्रैक्टिस चलती थी याद है आपको विद बिल विदाउट बिल समझ लो ये ट्रेडर है छोटा उसका शॉप है और उसके पास बहुत से कैश कस्टमर आते हैं कैश कस्टमर आते हैं मतलब या स्टेशनरी शॉप है या जो भी शॉप है तो आपको अगर ऑप्शन मिल जाए आप टीचर को कहो कि सर जीएसटी मत लगाना विदाउट बिल मैं आपके क्लास में बैठ जाता हूँ फेस टू फेस विदाउट बिल दे दो एग्जाम्पल दे रहा हूं हम ऐसा नहीं करते एग्जाम्पल दे रहा हूं तो बहुत सी बार क्या होता था जो रिटेल मार्केट में ना उसमें बहुत बड़ा टैक्स विभाजन होता था देखो कैसे अब ये ट्रेडर को पता है कि मैं रिटेल मार्केट में कैश में बिजनेस कर, कर सकता हूं तो ये क्या करता था अगर इसको क्रेडिट नहीं दिया गया अगर इसको क्रेडिट नहीं दिया गया तो ये ब्लैक चेन क्रिएट करता था अब ये ब्लैक चेन क्या क्रिएट करता था आपको बताता हूँ ब्लैक मतलब क्या ये भी जिससे खरीद रहा है माल समझ लो ये होलसेलर से खरीद रहा है ओके okay, ये होलसेलर से खरीद रहा है तो ये होलसेलर को कहता था यार छोड़ ओके okay, मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है बिना बिल का गुड्स भेज दे ओके okay, बिना बिल का गुड्स भेज दे मैं आगे बिना बिल के भेज दूंगा यानी एक पैरेलल ब्लैक मार्केट की चेन क्रिएट हो रही थी ओके क्योंकि okay, क्रेडिट नहीं मिल रहा था क्रेडिट नहीं मिल रहा था तो ओके okay, लोग बिना टैक्स और कैश इफेक्ट कैश इफेक्ट से प्राइजेज बढ़ रही थी तो ब्लैक मार्केट की चेन कैसे क्रिएट हो रही थी विदाउट बिल वाली चेन क्रिएट होती थी ओके यानी ये ट्रेडर होलसेलर पर फोर्स करता था ओके okay, ये ट्रेडर होलसेलर पे फोर्स करता था कि भाई ब्लैक चेन ओके अब तू भी मुझे ब्लैक में दे दे जाने दे बिल मत बना होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को फोर्स करता था ओके okay, यार मेरे ओके okay, मेरे पास बहुत सारे जो कस्टमर आ रहे ब्लैक वाले आ रहे तू बिना बिल के दे और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर को फोर्स करता था बेटा ओके okay, तो इन शॉर्ट क्रेडिट ना देना गवर्नमेंट के लिए नुकसान क्या था क्रेडिट न देना गवर्नमेंट के लिए नुकसान था कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ रही थी और गवर्नमेंट कितना भी कंट्रोल करना चाहे ओके कंट्रोल नहीं कर पाती थी ओके क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने ही कहाँ है बेटा ओके okay, और ये इकोनॉमिकल लॉ है किसी की हमको तो फा, फांसी की सजा तो नहीं दे सकते किसी को पकड़ के या डंडे तो नहीं मार सकते इकोनॉमिकल लॉ में हाँ क्राइम किया हो तो डंडे मारो फांसी की सजा दो ओके okay, उसको धो डालो उसका इश्यू नहीं है लेकिन ये इकोनॉमिकल लॉ में बिजनेस को परेशान तो नहीं कर सकते तो ऐसे सिचुएशन में एक पैरल ब्लैक मार्केटिंग चेन हो रही चे, क्रिएट हो रही थी और वो पैरल ब्लैक मार्केटिंग चेन जो थी ओके वो थी विदाउट इन वाली विद बिल विदाउट बिल ये बहुत चला इसलिए क्रेडिट कंसेप्ट इंडिया में है इसलिए तो 2004 में सेल्स टैक्स में सोचा गया कि यार ओके ये जब सर्वे था इकोनॉमिकल सर्वे था कि इंडिया में

डबल टैक्सेशन के चक्कर में ओके okay, हम हमारा जो ब्लैक मार्केटिंग का रेवेन्यू है वो गवा रहे हैं ओके okay, क्यों क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर क्रेडिट दो क्रेडिट अलाउ कर दो okay, तो प्राइजेस तो कम हो गई इकोनॉमी बढ़ेगी इकोनॉमी का ग्रोथ हो गई सुनना सुनना इकोनॉमी का ग्रोथ हो गई एज वेल एज जो लोगों की मेंटेलिटी है टैक्स बचाने की वो कम से कम होगी खत्म तो नहीं होगी ओके okay, कम से कम होगी यानी वो ओके okay, अगर उनको क्रेडिट दे दिया जाए तो वो एटलीस्ट रिकॉर्ड में लाएगी ये ट्रांजेक्शन उसके ऊपर टैक्स देंगे टैक्स देंगे तो हमारा वैसे ही ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाएगा और ठीक है डबल टैक्सेशन नहीं आएगा लेकिन जो 60 परसेंट मार्केट ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग में चल रहा है उसमें ओवरऑल रेवेन्यू तो बढ़ ही जाएगा ना हाँ समझ में आया बेटा आपको अगर सब समझ में आया तो जोर से बोलिए बेटा हा ब्लैक मार्केटिंग मतलब सुहानी ब्लैक मार्केटिंग मतलब जो रिकॉर्ड्स में नहीं बताया जा रहा है टैक्स छुपाया जा रहा है उसको ब्लैक कहते हैं ओके ब्लैक मनी ऐसे वो वर्ड है कभी ब्लैक मनी ये वर्ड सुना है मतलब जो पैसा रिकॉर्ड में नहीं बताया जिस पर टैक्स छुपाया गया ओके okay, उसको हम ब्लैक मनी या ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं ओके okay, हिंदी में उसे अगर बहुत प्योर हिंदी में जाए तो पक्के में और कच्चे में ओके okay, कच्चे का कच्चे में नहीं ओके okay, पक्के में और कच्चे में कच्चे में मतलब वो लोग पुरानी इसमें डायरी मेंटेन करते थे छुपाते थे टैक्स नहीं भरते थे उसको हम कहते थे ब्लैक मार्केटिंग आई क्या बात समझ में बेटा चलिए तो यस yes, ओके okay, ये बात समझ में आई तो डिस्कशन तो क्रेडिट कंसिट आई टी सी ने रियली really मैं आपको बताता हूँ ओके क्रेडिट देने की वजह से यहां पे ओके okay, जहां तक देखा जाए बहुत और ग, मतलब गवर्नमेंट का इस क्रेडिट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ाया यानी ब्लैक मार्केटिंग पे कंट्रोल लाया खत्म नहीं हुआ लेकिन ब्लैक मार्केटिंग पे और ब्लैक चेन पर पूरा कंट्रोल लाया आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो ये था पूरा कंसेप्ट कि क्रेडिट नहीं दिया गया तो वो जो है कॉस्ट में एड हो जाता है चलिए तो अब ऐसे सिचुएशन में ओके क्रेडिट कंसेप्ट आ चुका था इंडिया में नाइनटीन okay, अगर 86 में 1986 में अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान सुनना 1986 में एक्साइज में लाया गया था इन द नेम ऑफ सेन वैट कभी आपने नाम सुना होगा तो इन द नेम ऑफ सेन वैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ओके जो एक्साइज में लाया गया था और 2004 में वो सेल्स टैक्स में लाया गया इन द नेम ऑफ वैट यानी इंडिया में सेंट्रल लेवल एक्साइज पेन वैट चलता था और स्टेट लेवल पे वैट चलता था ये पुरानी बात थी अब पुरानी इसमें डिटेल में जाना जरूरी नहीं है बस मुझे ये हिस्ट्री इसलिए चाहिए क्योंकि जीएसटी आपको बहुत अच्छे से समझना है और पूरे इंटरेस्ट के साथ समझना है ओके okay, तो यस बताइए जीएसटी में इंटरेस्ट आ रहा है क्या जो भी मुझे सुन रहे ना बेटा डोंट बी ए डम्प आ रहा होगा तो यस yes कहिए नहीं आ रहा होगा तो नो कहिए नो कहोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा ओके आई एम अ टीचर ओके okay, नो no कहेंगे तो मैं और मेहनत करूंगा आपको समझाने के लिए पर ओके okay, मजाक नहीं जो भी है सच्चाई से बोलिए कि आपको मजा आ रहा है जीएसटी में ओके तो चलिए नहीं आ रहा होगा तो मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा बेटा चलिए तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे आते हैं 2017 के पहले एक्साइज में और वैट में जहां तक देखा जाए जी ओके क्रेडिट कंसेप्ट आ चुके थे तो देखते दो हजार सत्रह के पहले जो है ओके क्रेडिट कंसेप्ट किस तरह से आ आ, आ, रहे हैं ओके तो यहाँ पे देखिए जैसे एक मैन्युफेक्चर देखो इंडिया में बिजनेस करने वाले ध्यान से सुनिएगा इंडिया में बिजनेस करने वाले गुड्स और सर्विस में मेजरली तीन सेक्टर होते थे गुड्स और सर्विसेज में बोलो कौन कौन से तीन सेक्टर ओके मैं आपसे सुनना चाहूंगा बताओ बेटा कौन कौन से तीन सेक्टर होते थे कौन से कौन से तीन सेक्टर बिजनेस में तो जो गुड्स में डील करते थे एक था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दूसरा था ट्रेडिंग सेक्टर जो गुड्स में डील करता था और एक था सर्विस सेक्टर जो सर्विसेस में डील करता था ओके okay, एक सेक्टर जो सर्विसेस में यहां पे डील करता था आया कि नहीं आया समझ में येस और नो यस अशी यशिका का ओके कोई बात नहीं इंटरेस्टिंग हो जाएगा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपको इंटरेस्ट आएगा ओके okay, तो आप स्टार्ट से सुन रहे हो पहले लेक्चर से तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा चलिए तो यहां पे आ, अगर हम बात करें तो सप्लायर अब समझ लो मैन्युफैक्चर कोई भी बिजनेसमैन गुड्स का करेक्ट 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 आपने सही कहा ट्रेडिंग कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है करेक्ट तो यहाँ पे जरूर देखिएगा अब बेटा यहाँ जहां तक देखा जाए तो अब एक मैन्युफेक्चर है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है जिसकी फैक्ट्री है वो बेटा गुड्स खरीदता है अपने बिजनेस के लिए उसके इनपुट्स क्या हो गुड्स खरीदता है वो बहुत सारी सर्विसेज भी लेता है अपने बिजनेस चलाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ओके मैन्युफैक्चर दुनिया बिजनेस चलाने के लिए रिपेयर्स मेंटेनेंस सर्विस ऑडिटिंग सर्विस अकाउंटिंग सर्विस ओके जहाँ तक देखा जाए तो आ, यहाँ पे जॉब वर्क सर्विस बहुत सारी सर्विसेज भी लेता है बिजनेस चलाने के लिए ओके okay, तो जब वो गुड्स खरीदता है यहाँ पे ओके okay, जब वो गुड्स खरीदता है बेटा तो ऐसे सिचुएशन में उसकी वैल्यू क्या होगी समझ लो उसने कोई गुड्स खरीदा और जिससे खरीदा वो भी मैन्युफैक्चर जिससे खरीदा वो भी मैन्युफैक्चर से सुनो तो ठीक है तो जब उसको बिल आएगा अब समझ लो ये मैन्युफैक्चरर है और इसने इससे खरीदा अब यहां पे इसको जब बिल आएगा बेटा तो समझ लो वैल्यू जो है मैं इसको इनपुट कहूंगा इनपुट कहूंगा जो आपने गुड्स खरीदा उसे इनपुट कहूंगा वैल्यू जो है इसकी एक लाख रुपए है एक लाख रुपए का गुड्स खरीदा अब ये बंदे ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो में कौन कौन से टैक्सेस लग के आएंगे देखो चलो बताओ ओके ओके यस यशिका आप, आप बताओ मैं कोशिश करता हूं कि आपका भी इंटरेस्ट आ जाए बताओ कि यहां पे आ, कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे यस बोलो फटाफट अगर ये बंदे ने मैन्युफैक्चरर से कोई मटेरियल खरीदा रॉ मटेरियल खरीदा जो आगे और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाला है तो कौन कौन से गुड्स आएंगे बोलिए बेटा चलो बोलो फटाफट फटाफट हाँ इसके बिल में टैक्स लग के आएगा एक्साइज एट द रेट टेन परसेंट एट द रेट टेन परसेंट यानी दस हजार रुपए एक्साइज में दस टेन परसेंट एज्यूम कर रहा हूं तो एक्साइज लग के आएगा यस शुभम सही हो आप तो एक लाख दस हजार रुपए एक लाख दस हजार रुपए जो है यहां पे ये लग के आया है और क्या लग के आएगा देखो मैन्युफैक्चर से खरीदा इसलिए एक्साइज तो लग के आया प्लस उसके साथ और क्या लग के आएगा बोलो फटाफट सेल्स टैक्स भी लग के आएगा जिसे हम वैट कहते हैं ओके वैट भी लग के आएगा और वैट एट द रेट टेन परसेंट यानी ग्यारह हजार रुपए ग्यारह हजार रुपए यानी टोटल यहाँ पे एक लाख इक्कीस हजार रुपए की उसकी ये परचेसेस हुई क्योंकि उसने गुड्स खरीदा अपना बिजनेस चलाने के लिए गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ठीक है वेरी गुड सभी सभी आंसर दे रहे एक्साइज और वैट लग के आ गया तो एक्साइज अब मेरा दूसरा सवाल आपसे आप आंसर आप देते रहिएगा दूसरा सवाल एक्साइज जो गुड्स पे लगता था अल्कोहल छोड़ के अल्कोल और ओपीएम छोड़ के एक्साइज जो गुड्स पे लगता था ये एक्साइज का रेवेन्यू किसका था बोलिए बेटा ये एक्साइज का रेवेन्यू किसका था और जिसके पास नोट्स है वो मेरे साथ लिखते जाइए जिसके पास नोट्स है वो मेरे साथ लिखते जाइए एक्साइज का रेवेन्यू किसका था बेटा सेंट्रल का था और वैट का रेवेन्यू किसका था वैट का रेवेन्यू किसका था स्टेट का था ठीक है वैट का रेवेन्यू थोड़ा स्लो भी चल रहा होगा तो डोंट वरी मैं जानबूझ के स्लो चला रहा हूं ओके okay, क्यों क्योंकि मैं जो यहां आपके दिमाग में पेनिट्रेट करना चाहता हूं वो आगे बहुत काम आएगा बेटा और डोंट जज मी बाय जस्ट फाइव सिक्स लेक्चर्स ओके okay, बेटा सत्रह साल से पढ़ा रहा हो और फाइनल के आप किसी को भी पूछ लो आपको बेस्ट बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आई की वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ये मैं लिख के देता हूं ठीक है तो चलिए बस कहीं पे मैं स्लो इसलिए चलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे क्या पेनिट्रेट करवाना है ठीक है चलो तो अब दूसरा बेटा ये तो हुआ उसने इनपुट खरीदा बिजनेस चलाने के लिए वो सर्विस भी खरीदता है बिजनेस चलाने के लिए वो सर्विस भी खरीदता है अब समझ लो मैं इसको इनपुट सर्विस नाम दूंगा ओके नाम देखिएगा इनपुट सर्विस इनपुट सर्विस ओके तो अब ये जो है इनपुट सर्विस उसने खरीदी अलग अलग सर्विसेज है ओके टेलीफोन सर्विस इंटरनेट सर्विस अकाउंटिंग सर्विस यहां पे मैनेजमेंट सर्विस जॉब वर्क सर्विस दुनिया भर की सर्विसेज बाहर आलो सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज बिजनेस चलाने के लिए फैक्ट्री के वहां सिक्योरिटी गार्ड तो होगा अब जितनी भी इनपुट सर्विसेज खरीदी समझ लो उसकी वैल्यू जो है ओके okay, यहाँ उसकी वैल्यू पचास हजार रुपए लेते हैं ओके वैल्यू पचास हजार रुपए पहले 2017 के पहले उसके ऊपर क्या आता था बेटा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स तब पंद्रह परसेंट रेट था तब सर्विस टैक्स का रेट पंद्रह परसेंट था यानी सात हजार पांच सौ रुपए इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था अब आपसे एक सवाल ओके यस यशिका आपसे एक सवाल ओके मुझे बताओ सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था मैंने पढ़ाया हुआ है चलो बोलो फटाफट बड़ किसका रेवेन्यू था बेटा सर्विस टैक्स यस बोलिए किसका रेवेन्यू था सर्विस टैक्स बेटा यहां पे अगर आपको याद होगा तो सर्विस टैक्स सेंट्रल का रेवेन्यू था सेंट्रल का रेवेन्यू था ओके सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था सेंट्रल का ओके okay, तो यस अब आप ये बताइए ध्यान से सुनिएगा ओके okay, आप ध्यान से सुनिएगा सर्विस टैक्स सेंट्रल का रेवेन्यू था तो पहले तो फिर से गुड्स खरीदा मतलब इनपुट सर्विस खरीदी मतलब इनपुट सर्विस गुड्स को इनपुट गुड्स मत बोलो इनपुट ही बोलो नॉर्मल प्रैक्टिस में उसको इनपुट ही कहते हैं और सर्विस खरीदते हैं हैं तो है. तो इनपुट सर्विस कहते इज इट क्लियर गुड्स और सर्विसेज दोनों भी उसने खरीदा ओके okay, ये तो उसके इनपुट टैक्स हुए तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये मैनुफेक्चर के कितने इनपुट टैक्स हुए तो ये मैन्युफैक्चर के तीन इनपुट टैक्सेस है अब मैं एक, एक नया वर्ड पिक्चर में ला रहा हूं इनपुट टैक्स ध्यान से सुनो इनपुट टैक्स tax, मतलब टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स ओके टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेस एंड आपने जो इनवर्ट पे टैक्सेस पे किए पे टैक्सेस किए उसे कहते हैं इनपुट टैक्स तो कितने इनपुट टैक्स है बेटा इसके तीन बताओ कौन से तीन इनपुट टैक्स होते थे पहले ओके okay, ये स्ट्रक्चर ध्यान से दो सेंट्रल थे दो इनपुट टैक्स सेंट्रल ने कलेक्ट करके रखे थे जब उसने परचेस किया और एंटायर बर्डन पास ऑन ऑन दिस मैन्युफैक्चर तो दो सेंट्रल के थे और एक स्टेट का था कब ध्यान से सुनिएगा दो सेंट्रल के थे और एक स्टेट का था यहां तक क्लियर यस और नो चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अब बेटा उसने ओके okay, मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बनाया ध्यान से सुनना मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो गुड्स बना ओके okay, ये बेटा गुड्स बनाए यहां पे ठीक है वो सर्विस तो नहीं दे सकता क्योंकि उसने गुड्स खरीद के सर्विस खरीद के ओके okay, मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बनाया और वो गुड्स बेच रहा है वो गुड्स बेच रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरर गुड्स ही बनाएगा तो मुझे ये बताइए एक जुलाई 2017 के पहले समझ लो ये गुड्स वो बेच रहा है ये उसका आउटवर्ड है गुड्स बना के बेच रहा है ओके तो समझ लो एक टीवी है टीवी के लिए उन्होंने एलसीडी खरीदा रॉ मटेरियल खरीदे ओके मदरबोर्ड खरीदा सर्विसेज खरीदे और टीवी बना के बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू यहां पे ध्यान से देखिएगा जिसकी वैल्यू यहां पे तीन लाख रुपए है जिसकी वैल्यू तीन लाख रुपए है अब जो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है रिटेक रिटेक गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है तो बोलिए दोस्तों ओके जब वो मैन्युफैक्चर करके आगे बेचेगा तो कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे चलो बताओ फटाफट कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे बोलो फटा आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट मजा आएगा आपको देख लेना बस मेरे साथ धीरे धीरे ओके सब्जेक्ट के यहां पे डीप में जाओ ओके वो आपने शाहरुख का एक सॉन्ग देखा होगा रंग दे मुझे गेरुआ देखो मैं आपका जीएसटी से कैसे रंग में रंग आपको रंग में अपने ले लेता हूं ठीक है तो यहां पे चलिए वैल्यू तीन लाख कौन कौन से टैक्स परफेक्ट एक्साइज और वैट आएगा समझ लो यहां पे हम एक्साइज ड्यूटी वेरी गुड एक्साइज एट द रेट हम टेन परसेंट जिसके पास नोट्स होगी मेरे साथ लिखते जाओ टेन परसेंट यानी तीस हजार रुपये एक्साइज ड्यूटी लग रही है तीस हजार रुपये और वैट जो है ओके सॉरी एक्साइज लग रही है और जहां तक देखा जाए तीन लाख तीस हजार रुपये ओके और तीन लाख तीस हजार रुपये वैट लग रहा है वैट एट द रेट इसका भी रेट टेन परसेंट यानी थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज यहां पर अब देखो वैट मैकेनिज्म वैट एक मैकेनिज्म है एक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो ओके वैल्यू एडिशन पे टैक्स आना चाहिए अब देखो मैं आपको बता दू क्या इंडिया में वैट आ गया था लेकिन वैट कैसे चलता था जीएसटी आने आने के पहले। आने के पहले पहले जीएसटी वैट मैकेनिज्म कैसे चलता था और जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंस है अब आपको समझ में आएगा अच्छा आगे बढ़ने के पहले मुझे ये बताओ क्या एक्साइज सेंट्रल है एक्साइज सेंट्रल टैक्स है क्या ये रेवेन्यू सेंट्रल का है और ये रेवेन्यू किसका है बेटा स्टेट अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ अलग चलाती थी जीएसटी आने के पहले स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ अलग चलाती थी जीएसटी आने के पहले अब मैं आपका कॉमन सेंस देखना चाहूंगा अब मैं आपका कॉमन सेंस देखना चाहूंगा चलो आई नीड यूर अटेंशन मुझे यह बताइए कि क्रेडिट देना है और क्रेडिट आ चुके थे सेंटर अब क्रेडिट पहले आपके हिसाब से कैसा होता था अब मैं जानना चाहूंगा आपसे यह आंसर लेना चाहूंगा एक्साइज तीस हजार आ रहा है. इस एक्साइज पे करने के लिए सेंट्रल क्रेडिट देने के लिए रेडी है अब क्रेडिट में उसके तीन इनपुट टैक्सेस है एक्साइज सेंट्रल का है वैट स्टेट का है और सर्विस टैक्स सेंट्रल का है तो बताओ ये आउटपुट टैक्स तीस हजार रुपए देने के लिए जो सेंट्रल टैक्स है कौन से क्रेडिट मिलेंगे क्या तीनों मिलेंगे आपके सामने ऑप्शन ये रहे क्या वो तीनों क्रेडिट ले सकता है दस हजार ग्यारह हजार और सात हजार पांच सौ तीनों क्रेडिट ले सकता है या दूसरा ऑप्शन नहीं सर एक्साइज के पेमेंट के लिए सिर्फ वो एक्साइज के ही क्रेडिट ले सकता है या तीसरा ऑप्शन एक्साइज के पेमेंट के लिए वो एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों के क्रेडिट ले सकता है यानी सेंट्रल के पेमेंट के लिए दोनों सेंट्रल टैक्सेस के क्रेडिट ले सकता है ओके अब ये यहां ये स्टेज पे किसी ने ये मत पूछना कि सर क्रेडिट क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मत पूछना कि क्रेडिट क्या होता है क्यों दिया जाता है कैसे दिया जाता है ओके अगर वो नहीं समझा होगा तो मेरा लेक्चर फिर से सुन लीजिएगा तो चलो बेटा यहां पे यस yes. बताइए बेटा शुभम मुक्ता यशिका सेजल ओके okay, ये बताइए एक्साइज के लिए मैं किस किस के क्रेडिट यूज कर सकता हूं तीनों के करूं या किसके करूं एक्साइज वेरी गुड ओके केशव ने कहा सर ये सेंट्रल का पेमेंट करने के लिए यानी ये तीस हजार का पेमेंट करने के लिए मैं सिर्फ सेंट्रल टैक्स के ही क्रेडिट ले सकता था ओके okay, तो यहां पे वंश तीनों नहीं तीनों नहीं क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पेमेंट के लिए हमारे क्रेडिट लो और स्टेट का कहना था हमारे पेमेंट के लिए हमारे क्रेडिट लो क्योंकि दोनों गवर्नमेंट साथ में नहीं चलती थी दोनों गवर्नमेंट के लॉज अलग है आज जीएसटी जैसा थोड़ी है ओके जीएसटी में सिनारियों बदल गया मैं बाद में बताऊंगा आपको मैं आपको जीएसटी की तरफ भी तो लेके जा रहा हूं आपको जीएसटी की तरफ भी लेके जा रहा हूं तो सुनो बच्चों ओके ध्यान से सुनना ओके और ऐसे पढ़ना कि यहां पर ओके जिंदगी भर याद रहे ओके okay, तो चलो यहां पे रट्टा नहीं रट्टा नहीं जीएसटी थे सब्जेक्ट है पर रट्टा नहीं होगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक लाइन का रीजन आपको समझाऊंगा तो चलो बेटा ओके okay, यहां पे बहुत लोगों ने सही जवाब दिया सेंट्रल के अगेंस्ट में सेंट्रल का क्रेडिट यानी ये एक्साइज पे करने जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई एक्साइज एक्साइज के अगेंस्ट में एक्साइज के क्रेडिट मिल जाते थे प्लस सर्विस टैक्स के भी मिलते थे यानी एक्साइज के भी मिलते थे ध्यान से देखिएगा एक्साइज के भी क्रेडिट मिल जाते थे और यहां पे सर्विस टैक्स के भी क्रेडिट मिल जाते थे दोनों के क्रेडिट मिल जाते थे क्लियर ओके okay, तो यहां पे आपके पास नोट्स होगी तो साइड में लिखो पहला पहला पुराना क्या बनता था पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ नेट एक्साइज पेबल एक्साइज पेबल अब देखो ये कैसा एक्साइज ऑन आउटपुट ओके एक्साइज ऑन आउटपुट कितना था एक्साइज ऑन आउटपुट बेटा तीस हजार रुपए लेस आईटीसी पर सेंट्रल के आईटीसी सेंट्रल में ही मिलते थे आई रिपीट सेंट्रल के आईटीसी सेंट्रल में मिलते थे तो लेस आईटीसी ए ए एक्साइज ऑन इनपुट आए मतलब इनपुट और बी सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिलता था यानी एक्साइज के पेमेंट के लिए आपने जो सर्विसेस पे सुनना ध्यान से आपने जो सर्विसेज पे सर्विस टैक्स दिया उसका भी क्रेडिट मिलता था क्योंकि दोनों सेंट्रल टैक्सेस थे और सेंट्रल के अगेंस्ट में सेंट्रल के क्रेडिट ले लो तो यहां पे सर्विस टैक्स ऑन दस हजार और सात हजार पांच सौ तो यहाँ पे दस हजार ओके तो दस हजार और यहाँ सात हजार पांच सौ ओके इसके क्रेडिट मिलते थे यानी नेट एक्साइज पेबल यानी आपने अगर क्रेडिट ले लिया तो नेट एक्साइज पेबल आपका कितना है बेटा ओके okay, यहां पे तो तीस हजार माइनस तीस हजार माइनस दस हजार ओके माइनस सात हजार पांच यानी बारह हजार जो है ओके okay, ये आपका साइज आएगा दूसरा स्टेटमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाना पड़ता था ये तो सेंट्रल का हुआ ओके okay, स्टे, स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट पेबल स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट पेबल नेट वैट पेबल तो स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट पेबल में क्या तो वैट ऑन वैट ऑन आउटवर्ड सप्लाई आई होप आप मेरे साथ लिखते जा रहे हो आउटवर्ड या आउटपुट लिखो तो ज्यादा बेटर वैट ऑन आउटपुट आउटपुट आपका कितना वैट आ रहा है बेटा यहाँ पे थर्टी थ्री थाउजेंड तो ये थर्टी थ्री थाउजेंड आपका लेस ओके आई टी सी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो उसमें ए वैट ऑन स्टेट का क्रेडिट वैट ऑन इनपुट इनपुट पे आपने वैट कितना दिया ग्यारह हजार रुपए तो ये ग्यारह हजार का ही क्रेडिट आपको मिलता था ग्यारह हजार का ही क्रेडिट हजार रुपए आपकी वैट की लाइबिलिटी आती थी इन सिंपल वर्ड ये पूरे डिस्कशन में मैं क्या समझाना चाहता हूँ ये पूरे डिस्कशन में मैं ये समझाना चाहता हूं कि सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में मिलते थे स्टेट के क्रेडिट स्टेट टैक्सेस में मिलते थे पहले लेकिन अब मैं एक बात पे आना चाहूंगा मैन्युफैक्चरर जो है इसके तीनों क्रेडिट के सेट ऑफ मिलते थे एक्साइज के भी मिलते थे सर्विस टैक्स के मिलते थे और बैट यानी तीनों क्रेडिट एडजस्ट हो रहे हैं उसके एडजस्ट हो रहे हैं बस इतना ही है कि एक्साइज सर्विस टैक्स एक्साइज में एडजस्ट हो रहा है सेंट्रल का सेंट्रल में एडजस्ट हो रहा है और स्टेट का स्टेट में एडजस्ट हो रहा है आपको यह बात समझ में आई ये स्टेटमेंट समझ में आया यस ओके यहां तक समझ में आया तो जोर से बोलिए हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया बोलो वडा भट ओके okay, यहां तक समझ में आया होगा तो जोर से बोलिए सर ओके okay, मजा आ गया समझ में आ गया ओके okay, फिर आगे बढ़ाता हूं डिस्कशन को यस yes. बोलिए फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम लेंगे चलो <coughs> अब सेकंड दूसरा सेक्टर लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज दे रहा है वी स्मार्ट एकेडमी का एग्जाम्पल लेता हूं ले बेटा अब वी स्मार्ट एकेडमी के एग्जाम्पल में ओके जब मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं भी गुड्स खरीद रहा हूं कैमरा खरीद रहा हूं बेंचेस खरीद रहा हो ये पूरा स्टूडियो सेटअप करने के लिए लाइट्स खरीदे ओके डेस्कटॉप खरीदा मोबाइल खरीदा ओके यहाँ पे कैलकुलेटर खरीदा ये गुड्स खरीदे मैंने मैं भी गुड्स दुनिया भर के गुड्स खरीद रहा हूँ स्टेशनरी खरीद रहा हूं प्रिंटिंग पेजेस कर रहा हो बुक के प्रिंटिंग के लिए पेजेस खरीद रहा हूं तो जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ इमेजिन करो मैंने डायरेक्ट मैनुफेक्चर से खरीदा कम ऑन इमेजिन करना मैंने डायरेक्ट मैनुफेक्चर से खरीदा तो जब मैंने गुड्स खरीदा ये पिक्चरल प्रेजेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेंगे बेटा और ये पिक्चर्स नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी इसका एक एक कैरेक्टर ने बनाया हुआ है ठीक है तो अब यहां पे जब गुड्स खरीदे बेटा तो प्राइस वही लेके चलते जो आप पहले एग्जाम्पल में हमने ली थी प्राइस है एक लाख रुपए ओके okay, मैंने मैनुफेक्चर से खरीदा इसलिए बिल में एक साइज भी लग के आया और बिल में वैट भी लग के आया ओके okay, तो ये जो इनपुट पे खरीदा ओके okay, मैं यहाँ इनपुट खरीदे और उसके ऊपर टैक्स लग के आए दूसरा दूसरा बेटा यहाँ पे जो है मैं सर्विसेज ले रहा हूँ अब वी स्मार्ट अकेडमी ओके बहुत सारी सर्विसेज ले रहा है इंटरनेट सर्विस ले रहा है अभी यहाँ तक देखा जाए तो टेलीफोन तो सर्विस ले रहा है ओके okay, यहाँ रिपेयर्स और मेंटेनेंस सर्विस ले रहा है क्लाउड सर्विसेस ले रहा है फैकल्टी सर्विसेज ले रहा है ओके okay, फैकल्टी हमें सर्विसेज दे रही है हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं ओके okay, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो एक सर्विस देने के लिए गुड्स भी खरीदा जा रहा है और एक सर्विस देने के लिए दुनिया भर की अदर सर्विसेज भी खरीदी जा रही है और ये मिलकर मिलकर आपके साथ बिजनेस किया जा जा रहा है है ओके ओके तो तो यहां ये मिलकर आपको सर्विस दी जा रही है। okay, तो अब बेटा इसने गुड्स खरीदा एक्साइज और वैट लग के आया और यहां पे सर्विस टैक्स लगा तो मुझे बताओ अगर मैं वैल्यू समझ लो मेरी ये बैच की फीस तीन लाख रुपए होती है और मैंने सर्विस दिया अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मेरा आउटपुट था सर्विसेस ओके जो मेरा आउटपुट था सर्विसेस एक जुलाई 2017 के पहले इसके ऊपर कितने टैक्सेस लगते थे ओके सर्विस पे कितने टैक्सेस लगते थे मैंने पढ़ाया हुआ पढ़ाया हुआ भी है और आपका जनरल नॉलेज भी देखना चाहूंगा बोलो फटाफट आपके आंसर का मैं वेट करूंगा आपके आंसर का वेट करूंगा बेटा फटाफट बोलो यस yes. सर्विसेज जो मैं दे रहा हूं एक जुलाई 2017 के पहले इसके ऊपर कितने टैक्सेस लगते थे आपका कोई आंसर ओनली सर्विस टैक्स परफेक्ट परफेक्ट यशिका ओके मुक्ता शुभम विधि परफेक्ट ओके मतलब इसके ऊपर सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था तो सर्विस टैक्स का रेट जो था पंद्रह परसेंट था सर्विस टैक्स एट रेट यानी लाख पे ध्यान से देखिएगा तीन लाख पे पंद्रह परसेंट यानी कितना हुआ बेटा पैंतालीस हजार रुपए ओके ये okay, सर्विस टैक्स हुआ अब एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा ये सर्विस टैक्स का रेवेन्यू किसका था क्योंकि दूसरा टैक्स नहीं लगता था सर्विसेज पे एक ही टैक्स था और उसका नाम था सर्विस टैक्स बात खत्म ओके ये सर्विस टैक्स का रेवेन्यू किसका था अगर आपको पता होगा तो ये सर्विस टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल का था अरे हाँ ना सर्विस टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल का था मतलब क्या? मतलब क्या सर्विस सेक्टर में स्टेट का कोई रेवेन्यू नहीं था यानी में में जो सर्विसेज बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में जो सर्विसेज में बिजनेस कर रहे हैं सर्विसेज पे ओके स्टेट का पास कोई रेवेन्यू नहीं था जो भी सर्विस टैक्स का रेवेन्यू था बेटा वो सेंट्रल का था परफेक्ट आप सही जवाब दे रहे हो सेंट्रल का रेवेन्यू था डन क्लियर यस और नो चलो अब मैं आपसे ओके एक सवाल पूछना चाहूंगा देखता हूं आपको क्लिक होता है क्या क्रेडिट पहले भी थे पहले भी आईटीसी थे अब ये सर्विस टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट क्रेडिट देती थी पर अब बताओ ये सर्विस टैक्स पे करने के लिए किसका क्रेडिट मिलना चाहिए किसका क्रेडिट मिलना चाहिए सर्विस टैक्स पे करने के लिए चलो बोलो फटाफट सर्विस टैक्स पे करने के लिए किसका क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं श्रवण श्रवण हमको डिटेल में नहीं जाना है वो सेस वगैरह बस मैं एक ब्रॉड सेंस में एक पंद्रह परसेंट जो रेट है वो लेके चल रहा हूं तो मुझे बस ये बताओ कि सर्विस टैक्स पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट देगी गवर्नमेंट पर किसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्या तीनों टैक्सेस का मिलना चाहिए या ओनली सर्विस टैक्स का मिलना चाहिए या सर्विस टैक्स और एक्साइज का मिलना चाहिए स्टूडेंट के आंसर आ रहे सर सेंट्रल टैक्स के मिलना चाहिए अब सेंट्रल टैक्सेस के मतलब किसके बेटा ओके सेंट्रल टैक्सेस के मतलब क्या एक्साइज और सर्विस टैक्स सही आंसर दिया ओके okay, केशव सही आंसर दिया मतलब ये सर्विस टैक्स पे करने के लिए एक्साइज के क्रेडिट मिल जाते थे यहां पे एक्साइज के क्रेडिट मिल रहे हैं ये सर्विस टैक्स पे करने के लिए और सर्विस टैक्स के क्रेडिट मिलते थे तो अब अब आपके सामने एक पॉइंट रखना और फ्यूचर में जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंस है आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा ना अब आपके सामने ये जो सर्विस सेक्टर है सुनना ध्यान से ये जो सर्विस सेक्टर है सर्विस टैक्स पेमेंट के लिए सर्विस एक्साइज के क्रेडिट ले पा रहा है सर्विस टैक्स के क्रेडिट ले पा रहा है अब उसको वैट के क्रेडिट लेना है क्या वैट के क्रेडिट वो ले पाएगा अगर आप कहोगे सर वैट के क्रेडिट ले लो सर्विस टैक्स में नहीं सेंट्रल नहीं अलाउ करेगी सेंट्रल करेगी सेंट्रल कहेगी वैट का रेवेन्यू लिया स्टेट ने और हम एडजस्ट क्यों करके दे ओके okay, सेंट्रल उसको एडजस्ट करके नहीं देगी अपने रेवेन्यू से क्योंकि वो उसका कलेक्शन स्टेट ने किया हुआ है तो मुझे बताओ क्या वो वैट के क्रेडिट ले पाएगा क्या वैट के क्रेडिट ले पाएगा क्या यस और नो फटाफट बोलो यस और नो फटाफट आई नीड यूर एंसर क्या वो वैट के क्रेडिट ले पाएगा दोस्तों फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स नहीं ले पाएगा नहीं ले पाएगा तो फिर किसके अगेंस्ट में लेगा क्योंकि है तो लगा इनपुट टैक्स ओके इनपुट टैक्स के क्रेडिट उसको मिलने चाहिए ओके सर्विस टैक्स नो करेक्ट करेक्ट शुभम मतलब यह था कि सर्विस प्रोवाइडर को वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे सर्विस टैक्स में तो नहीं मिलते थे हाँ उनके आउटपुट में अगर स्टेट टैक्स होता उनके आउटपुट में अगर स्टेट टैक्स होता तो स्टेट के अगेंस्ट में स्टेट के क्रेडिट मिल जाते थे लेकिन इनके आउटपुट में स्टेट टैक्स है ही नहीं जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे सब इन्वॉल्व हो जाए इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा तो इसके आउटपुट में स्टेट टैक्स था ही नहीं अगर इसके आउटपुट में स्टेट टैक्स था नहीं तो इसके क्रेडिट नहीं मिलते थे और क्रेडिट मिलते ही नहीं थे अगर मिलते ही नहीं थे तो ये बन जाती थी कॉस्ट ये बन जाती थी कॉस्ट येस बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, मतलब क्या जब आपको क्रेडिट नहीं मिलते हैं तो बन जाती है कॉस्ट और कॉस्ट बन गई मतलब आपके प्राइस में ऐड हो जाता है ओके okay, क्योंकि वो कॉस्ट है कॉस्ट फिर आपके प्राइस में ऐड हो गया और प्राइस में ऐड हो गया तो कैश इफेक्ट हो गया मतलब ये जो वैल्यू तीन लाख रुपए है आप समझ रहे हो ना ये वैल्यू जो तीन लाख रुपए उसमें वो वैट इंक्लूडेड होगा क्योंकि उसका क्रेडिट मिला नहीं वो आपकी बन गई कॉस्ट और कॉस्ट बन गई तो तीन लाख में इंक्लूडेड है और तीन लाख में इंक्लूडेड है उसके ऊपर फिर से सर्विस टैक्स लग गया यानी क्या हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो गया बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट आई क्या बात समझ में आपके दोस्तों यस yes और नो no? जोर से बोलो यहां यहां पे पे समझ में आई तो अब अब यहां पे, पहले तो मुझे आंसर दो क्या आपको समझ में आ रहा है ठीक है अब मैं आपके सामने दो पॉइंट रखना चाहूंगा एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक है सर्विस सेक्टर सेक्टर वाइज समझ लो ओके क्या प्रॉब्लम थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तीनों क्रेडिट एडजस्ट हो रहे थे एक्साइज भी एडजस्ट हो रहा है सर्विस टैक्स भी एडजस्ट हो रहा है और वैड भी एडजस्ट हो रहा है पर तीनों क्रेडिट क्यों एडजस्ट हो रहे थे क्योंकि उनके आउटपुट में सेंट्रल टैक्स भी था और स्टेट टैक्स भी था कम ऑन उनके आउटपुट में सेंट्रल टैक्स भी था और स्टेट टैक्स भी था इसलिए मैन्युफैक्चरर विन विन सिचुएशन में था मैन्युफैक्चरर कह रहा था कि यस मजा आ गया यार क्या करूं बहुत मजा आ गया ओके okay, मेरा सेंट्रल एडजस्ट हो गया ये भी एडजस्ट हो गया ये भी एडजस्ट हो गया ओके okay, मेरे क्रेडिट एडजस्ट हो गया और क्रेडिट लेना किसको अच्छा नहीं लगता बेटा ओके okay, क्रेडिट लेना सबको अच्छा लगता है जब आप मॉल में आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और जब सेकंड परचेस करने जाते हो तो पहले देखते हो कि देखो ना मेरा कितना क्रेडिट पॉइंट्स पड़ा हुआ है क्रेडिट लेना सबको अच्छा लगता है है क्योंकि इट अवॉइड कैसिंग इफेक्ट आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी कम कर देता है ओके okay, लेकिन सर्विस सेक्टर अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर के तीनों में से तीन उसके इनपुट टैक्स थे कौन से तीन इनपुट टैक्सेस थे एक्साइज वैट और सर्विस टैक्स इसमें से दो एडजस्ट हुए एक एडजस्ट नहीं हो पाया और अगर एक एडजस्ट नहीं हो पा पाया तो इट बिकम अ कॉस्ट कम ऑन इट बिकम अ कॉस्ट ये समझ में आया क्या एंड इट लीड्स टू कैसकिंग इफेक्ट तो यहां स्टेटमेंट बना लो यहां एक ही स्टेटमेंट बनता था स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ नेट सर्विस टैक्स पेएबल सर्विस टैक्स पेएबल उसमें ए सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट आउटपुट कितना था बेटा फोर्टी फाइव थाउजेंड लेस आई टी सी इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर को भी एक्साइज के क्रेडिट मिलते थे एक्साइज ऑन इनपुट क्योंकि वो सेंट्रल टैक्स था और सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेस कितने थे बेटा वो दस हजार और सात हजार पाँच सौ दस हजार और सात हजार पाँच सौ इसके क्रेडिट मिलते पर वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे यानी पैंतालीस हजार माइनस ओके दस हज़ार माइनस सात हजार पाँच सौ ओके okay, यानी ये हुए 27,500 हजार ओके 27,500 हजार क्लियर ओके नेट सर्विस टैक्स पेबल नेट सर्विस टैक्स पेबल इज इट क्लियर ओके तो ये 27,500 हजार सौ का नेट सर्विस टैक्स पेबल होता था यहां तक बात समझ में आई ओके okay, और नोट नोट नो आईटीसी ऑफ वैट वैट के क्रेडिट उसको नहीं मिलते थे वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे। चलिए तो ये तो हुआ बेटा यहाँ पे जहां तक है सर्विस सेक्टर अब ट्रेडिंग सेक्टर, ट्रेडर ट्रेडर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है माल खरीद रहा है और माल बेच रहा है समझ लो मारुति का डीलर है डिस्ट्रीब्यूटर है ओके और मारुति का डिस्ट्रीब्यूटर मारुति कंपनी से खरीद रहा है कार और कार बेच रहा है ओके तो अब ट्रेडर की बात समझो हाँ अगेन मैं आपका कॉमन सेंस देखना चाहूंगा चलो फटाफट बेटा यहां पे जो ट्रेडर है ओके ट्रेडर जो है इसने गुड्स खरीदा कार खरीदी एक लाख की कार मैन्युफैक्चर से खरीदी इसलिए साइज लग के आया वैट लग के आया यहां तक क्लियर अब आगे बढ़ता हूं ये ट्रेडर भी बहुत सारी सर्विसेस लेता है ओके okay, एक ट्रेडर भी बहुत सारी सर्विसेज लेता है ओके okay, टेलीफोन सर्विस इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज okay, सर्विसेज 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 ओके मेंटेनेंस आफ्टर सेल बहुत सी वो खरीदता है और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो सर उसके ऊपर सर्विस टैक्स लग के आ रहा है सात हजार पांच सौ क्लियर चलो आगे बढ़ता हूं अब बेटा यहाँ पे जब ट्रेडर ट्रेडर जो खरीद के बेच रहा है आगे जब बेचेगा तो बताओ कौन सा टैक्स लगेगा खरीद के आगे उसकी कोई कार बुक हुई और वो बेच रहा है तो कौन सा टैक्स लगेगा उसके आउटपुट पे कौन सा टैक्स लगेगा बोलो फटाफट 2017 के पहले कौन सा टैक्स था बोलिए यस कमान फटाफट बोलो Okay, शुभम का कहना है सिर्फ वैट लगेगा समझ लो उसने यहाँ पे कार दो लाख में बेची यहाँ पे कार ये दो लाख में बेची तो उसके ऊपर एक्साइज लगने का तो सवाल ही नहीं और वो गुड्स है हाँ क्या रहे वो सर्विस नहीं है गुड्स है तो गुड्स पे एक्साइज और वैट लगते थे पर यहां एक्साइज तो लगेगा नहीं यानी जब वो गुड्स बेचेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा वैट और वैट का रेट अज्यूम करके चलता हूं दस परसेंट करेक्ट आप बिल्कुल सही जा रहे हो सभी सही जा रहे हो और ये चीजें समझ में आ रही है मतलब ऐसा समझना आईडीटी आपको अब आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है ओके अब आप, आपको मैं आईडीटी के बोतल में उतार रहा हूं धीरे धीरे उतार रहा हूं अब देखो इसका वर्ल्ड ही अलग होगा तो यहां पर जहां तक देखा जाए वैट लगेगा बीस यहां तक सभी क्लियर हो यस और नो यस और नो चलिए तो अब बेटा ये वैट पे करने के लिए क्योंकि वैट तो स्टेट टैक्स है वैट तो स्टेट टैक्स है यहां पे तो ये जो वैट पे करने के लिए क्रेडिट मिलेगा ओके एक्साइज सेंट्रल था एक्साइज सेंट्रल था ये स्टेट था ओके okay, और ये भी सेंट्रल था तो मुझे बताओ वैट पे करने के लिए किसका क्रेडिट मिलेगा किसका क्रेडिट मिलेगा उसको वैट पे करने के लिए ऑब्बियस है सर एक सही आंसर है आपका वैट पे करने के लिए उसको सिर्फ वैट का ही क्रेडिट मिलेगा वैट का ही क्रेडिट मिलेगा मतलब मतलब एक ट्रेडर जब गुड्स परचेस कर रहा है तो एक्साइज दे रहा है वो भी बिजनेस के लिए खरीद रहा है वो भी आगे बिजनेस कर रहा है लेकिन एक्साइज जो है एक्साइज दे रहा है सर्विसेज खरीदता है तो सर्विस टैक्स दे रहा है और वो जब ये खरीद रहा है तो उसको आगे जब गुड्स बेच रहा है तो ओनली स्टेट टैक्स लग रहा है और स्टेट टैक्स के अगेंस्ट में सिर्फ वैट के क्रेडिट मिलते थे मतलब उसको एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते थे और सर्विस टैक्स के भी क्रेडिट नहीं, तो नहीं मिलते थे और क्रेडिट नहीं दिए गए मतलब इट बिकम कॉस्ट आप समझ रहे हो ओके इट बिकम कॉस्ट और अगर वो कॉस्ट हो गई तो वो डेफिनेटली दो लाख के प्राइस में इंक्लूडेड होगी और दो लाख पे फिर से वैट लगा मतलब कैस्केडिंग कैडिंग इफेक्ट रहेगा कैस्केडिंग में फिर से चालू हो गया अब बात को समझ लो मतलब ओके यहां पे सिर्फ वैट का क्रेडिट मिलेगा तो यहां पे एक ही स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट अब मेरे साथ लिखते जाओ स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट लाइबिलिटी नेट वैट लाइबिलिटी ओके तो यहां पे टैक्स सॉरी वैट ऑन आउटपुट आउटपुट कितना था बीस हजार रुपए लेस आईटीसी। आईटीसी में उसका एक ही आईटीसी टी है वैट ऑन इनपुट वैट ऑन इनपुट और वो कितना कितना था बेटा वो ग्यारह हजार रुपए ग्यारह हजार रुपए यानी नेट वैट पेबल नेट वैट पेबल अगर मैं लू तो वो नौ हजार रुपए जो है ओके okay, यहां पे नेट वैट पेबल था ओके नेट वैट पेबल था तो नुकसान क्या था बिजनेसमैन वालों को अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बिजनेसमैन वालों को नुकसान क्या था नुकसान ये था बेटा यहां पे ध्यान से सुनिएगा नुकसान ये था कि मैन्युफैक्चर को ज्यादा नुकसान नहीं था वो तो विन विन सिचुएशन में था उसके जितने भी टैक्स उसके ऊपर बर्डन आया वो उसका सेटअप लेगा और बर्डन पास ऑन सर्विस सेक्टर को वैट के क्रेडिट्स नहीं थे और ट्रेडिंग सेक्टर तो उससे ज्यादा नुकसान में था क्योंकि उसके जो तीन इनपुट टैक्स थे उसमें से सिर्फ एक ही टैक्स एडजस्ट हो रहा था एक्साइज और स्टेट का एक्साइज और सर्विस टैक्स एडजस्ट नहीं हो रहा था यानी ये सर्विस सेक्टर के यहां पे सर्विस सेक्टर के दो एडजस्ट हो रहे एक्साइज और सर्विस टैक्स वैट एडजस्ट नहीं हो रहा लेकिन ट्रेडिंग सेक्टर जो था ट्रेडिंग सेक्टर में ओके यहां जहां तक देखा जाए तो सिर्फ वैट ही एडजस्ट हो रहा है एक्साइज और सर्विस टैक्स एडजस्ट नहीं हो रहा है तो ये दोनों सेक्टर बहुत नाराज थे ये दोनों सेक्टर का ये कहना था कि यार हमारे आउटपुट में सिर्फ सेंट्रल है इसलिए सेंट्रल का क्रेडिट मिलता है ओके काश अगर हमारे आउटपुट में स्टेट भी होता काश अगर हमारे आउटपुट में स्टेट भी होता तो हम इसके भी क्रेडिट लेते प्राइस और कम हो सकती थी प्राइस और कम हो सकती थी डिमांड और बढ़ सकती थी डिमांड और बढ़ सकती थी तो बिजनेस और हो सकता था और बिजनेस और हो सकता था तो मजा ही मजा ही मजा ही था ओके और ट्रेडर ट्रेडर तो और परेशान कि काश मेरे आउटपुट में सेंट्रल होता काश मेरे आउटपुट में सेंट्रल होता तो सेंट्रल होता स्टेट भी है तो मैं सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में ले लेता स्टेट के क्रेडिट स्टेट में ले लेता आई क्या बात समझ में आपके ओके okay, आपके समझ में आई बेटा यह बात तो चलिए हुआ क्या यहां पे इंडिया में हर बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा जाता था मैन्युफैक्चरर को अलग देखा जा रहा है सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में सिर्फ सेंट्रल टैक्स है वैट के आउटपुट में सिर्फ वैट है तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने कहा यार ये सब खत्म करते किसी को क्रेडिट मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है किसी को पूरा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है खत्म करो ये सब ओके ना कोई एक्साइज अब ध्यान से सुनना ना कोई एक्साइज यहां पे ओके okay, ये सब एक्साइज वैट और ये खत्म करके एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स एंड एक एंटरटेनमेंट टैक्स एंड परचेस टैक्स ओके ये सब खत्म करके यहां पे एक ही टैक्स लाओ जीएसटी यानी अगर उसने गुड्स खरीदा तो जीएसटी सर्विस खरीदा तो ये खत्म करो जीएसटी सर्विस भी खरीदा तो जीएसटी लग के आएगा उसके बाद में वो सप्लाई करेगा तो जीएसटी ही लगेगा एक ही टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओके तो यहां जीएसटी लगेगा हाँ मैं स्क्रीन के लिए आपको बताऊ ये सॉरी 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 एक मिनट आपको स्क्रीन लेना है तो ले लो एक मिनट एक काम करते हैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आपके नोट्स में लिखने के लिए फिर मैं थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ा देता हूं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये सेकंड स्क्रीनशॉट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो इसका भी ले लो चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट चलो तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार इसमें अलग अलग सेक्टर एक मार्केट नहीं देखा जा रहा है खत्म करो ना ये एक साइज वैट एलबीटी ओके ये खत्म करके लाओ जीएसटी एक ही टैक्स गुड्स खरीदा जीएसटी सर्विसेज खरीदे जीएसटी आपने गुड्स सप्लाई किया जीएसटी ओके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ही उसके बाद में सर्विस सेक्टर भी ओके गुड्स खरीदे जीएसटी सर्विस खरीदा जीएसटी ओके यहां पर सर्विस दिया जीएसटी ओके नाउ यहां ट्रेडिंग सेक्टर ट्रेडिंग सेक्टर गुड्स खरीदे जीएसटी सर्विस खरीदा जीएसटी और यहां पे गुड्स ओके जीएसटी बस इन शॉर्ट इतने अलग अलग टैक्सेस अलग अलग क्रेडिट अलग कहा मिलेगा कहा नहीं मिलेगा सब खत्म करो और एक ही टैक्स लाओ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट तीनों को एक ही मार्केट पे लाओ आज अलग अलग देखा जा रहा है एक ही मार्केट पे लाओ एक ही टैक्स लगाओ ओके okay, और सबको क्रेडिट अलाउ करो क्रेडिट अगर मिले गा तो प्राइजेस कम होगी ब्लैक मार्केटिंग कम होगा इसलिए हमने ओके okay, सब हटाकर एक ही टैक्स लाना चाहिए जीएसटी 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 ऑल, ऑल ऑल, ओके आया क्या आपको समझ में ओके okay, ये आया जीएसटी ने क्या खत्म किया आया समझ में तो अब बेटा ओके okay, क्या होगा अब देखो फायदे इसके क्या हो गए ओके okay, अगर ये सब टैक्सेस इन्होंने खत्म कर दिए तो क्रेडिट मैकेनिज्म कितना फ्री फ्लो हो गया है बेटा मैन्युफैक्चरर तो प्रॉफिट में ही था लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि मैन्युफैक्चरर क्योंकि तो तब आ, आ, वैट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे ओके okay, तो जीएसटी में सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म में लाया गया ओके okay, ये समझा होगा तो यहां पे ध्यान से सुनो ये समझा होगा तो जोर से बोलो हां सर ये समझ में आया जीएसटी का यही इंपॉर्टेंस है बेटा तो अब क्या हुआ मैन्युफैक्चरर को तो पहले भी मिलते थे क्रेडिट और जीएसटी आने के बाद जीएसटी के क्रेडिट भी मिलने लगे यानी आज गुड्स के लिए ऐसे अलग अलग नाम नहीं हो गए एक्साइज वैट एक्सेट्रा नहीं जीएसटी सर्विस खरीदा जीएसटी गुड्स सप्लाई किया जीएसटी ओके okay, तो ऐसे अलग अलग नाम नहीं हो गए लेकिन मैन्युफैक्चर को तो ठीक है जीएसटी आने से भी इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि पहले भी क्रेडिट मिलते थे लेकिन फायदा किसको हुआ सर्विस सेक्टर को क्यों क्योंकि एक्साइज और वैट मिलकर एक्साइज और वैट मिलकर जीएसटी बना ओके okay, और सर्विस टैक्स जीएसटी में और इसके आउटपुट में भी क्या लगेगा जीएसटी और जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी में मिल जाएगा ये जीएसटी का क्रेडिट ये जीएसटी मिल जाएगा मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर को जो पहले वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे अब अब जीएसटी में मर्ज होने की वजह से वैट के क्रेडिट मिलने लगे ओके ओके जीएसटी में मर्ज होने के लिए ओके okay, बैठ के क्रेडिट मिलने लगे आएगा आएगा दोस्तों समझ में ओके okay, बोलो नालायको आएगा समझ में को मेरा फेवरेट वर्ड है ओके okay, जोर से बोलो हां सर जी मालिक ओके okay, आया समझ में तो यहां पे ओके okay, जीएसटी और सबसे ज्यादा फायदा हुआ जीएसटी आने के बाद सुनना सबसे ज्यादा फायदा हुआ जीएसटी आने के बाद ट्रेडर को बिचारे ट्रेडर को एक्साइज का और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था लेकिन ओके फिर वो बड़ा परेशान था ओके एक दिन क्या हुआ आपने टेली मार्केटिंग की एड सुनी है वो बड़ा परेशान था उसे ये परेशानी होती थी फिर एक दिन उसे वो एक बेल्ट मिला उसने फिर वो बेल्ट लगाया उसकी जहां तक देखा जाए तो इन सिंपल वर्ड ओके okay. पहले वो बड़ा परेशान था उसे एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था उसके क्रेडिट जाते थे लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ जीएसटी आया और जीएसटी में अब उसको बेटा ओके okay, ध्यान से सुनिएगा जीएसटी में ओके okay, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्योंकि उसके आउटपुट में भी जीएसटी तो एक्साइज का भी क्रेडिट उसको मिलने लगा और सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिलने लगा ओवरऑल इंडिया में जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट की प्राइजेस कम होना ही चाहिए हाँ ये बात अलग है मैं धीरे धीरे ओके okay, ये बात यह धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे सुनिएगा धीरे धीरे समझाऊंगा कि जीएसटी एस लोग अपोज क्यों कर रहे हैं वो बात की बात है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में यहां बीजेपी गवर्नमेंट फेल हो गई जीएसटी को ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा चाहिए था ओके okay, और लॉ को जिस तरह से प्रिसाइज बनाना चाहिए था ओके okay, उस तरह से उन्होंने नहीं बनाया और उसके वजह से लोग बड़े परेशान हो गए लेकिन जीएसटी मॉडल सच में सबके लिए बहुत अच्छा है वन ऑफ द ब्यूटिफुल मॉडल ओके क्योंकि इसने प्राइजेस मार्केट में बहुत कम कर दी ओके okay, ओके okay. प्राइजेस इन्होंने मार्केट में बहुत कम कर दी तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू जीएसटी आई रिपीट ठीक है तो ये हमने देखा यहाँ पे पुराना टैक्स स्ट्रक्चर को इन्होंने कैसे खत्म किया ओके डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड टैक्स हाँ एग्जिस्टिंग मतलब फर्स्ट जुलाई ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट जुलाई 2017 के पहले क्या डिफिशियंसी थी और जीएसटी आने के क्या फायदे हुए जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी हमने देखी दे। मुझे समझाना था बेटा इसके लिए वो ऊपर का मैंने लिया कि भाई देखो पहला पहली डेफिशियंसी क्या थी नो सेट ऑफ सर्टन टैक्सेज बींग नहीं था ओके okay, या फिर यहाँ पे सर्विस टैक्स के टॉप वैट में अलाउड नहीं था एक में एक में बिल्कुल सेट ऑफ अलाउड नहीं थे ये डेफिशिएंसी थी जिसके वजह से प्राइजेस बढ़ती थी ओके जिसके वजह से प्राइजेस बढ़ती थी देखो अब थेरी कितनी आसान हो गई मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा हाँ दोस्तों नो सेट ऑफ नहीं मिलते थे आपने कहा हाँ सो हाँ नहीं मिलते थे इतना यार मैंने तीस मिनट दिए सिर्फ ये ये समझाने के लिए ऊपर क्या प्रॉब्लम है उसके लिए ठीक है तो यहां पे जहां तक देखा जाए सेट ऑफ नहीं मिलते थे एक मेक में दूसरा वेराइटी ऑफ टैक्सेस एंड रेट ये भी एक डिफिशियंसी थी इतने अलग अलग टैक्सेस थे एंटरटेनमेंट टैक्स परचेज टैक्स टर्न ओवर टैक्स एलबीटी ऑक्ट्रा एक्साइज बैट सी एस टी ये टैक्सेस टैक्सेस ठीक है इतने अलग अलग टैक्सेस थे जिसकी वजह से इंडस्ट्री बड़ी परेशान थी ये भी एक डिफिशियंसी थी नहीं जितेश गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज नहीं हुए लोगों ने इंक्रीज किए नहीं होने चाहिए इंक्रीज जीएसटी का फायदा बहुत है मैं आगे बताऊंगा कि जितेश लोगों ने क्यों प्राइजेस बढ़े लोगों ने फायदा लिया जीएसटी का और अनड्यू बेनिफिट लिया ओके बेनिफिट लिया मैं बताऊंगा जितेश मैं आऊंगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है एक प्रॉफिटरिंग और एंटी प्रॉफिटरिंग बहुत अच्छा है मजा आपको एंजॉय करोगे अगर आपके घर में बिजनेस है ना तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि मेरे जीएसटी खत्म कराने के बाद आप अपने पापा को बोलोगे पापा जीएसटी ऐसा है ऐसा करना पड़ता पापा वो पापा पूछेंगे बेटा क्लास किसके पास लगाया ठीक है तो यहाँ पे नाउ डबल टैक्सेशन आपने अगर एग्जाम्पल मेरा देखा होगा आगे आपने अगर एग्जाम्पल ऊपर देखा होगा तो कितने डबल टैक्सेशन थे आपको पता है ओके okay, वैट निकालने के लिए एक साइज ऐड होता था यहाँ डबल टैक्सेशन था ओके okay, उसके बाद में नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर को क्रेडिट नहीं थे किसके वैट के ट्रेडर को क्रेडिट नहीं थे एक्साइज और वैट के ओके तो डबल टैक्सेशन इफेक्ट तो था ही डबल टैक्सेशन इफेक्ट था हाई कंप्लायंस कॉस्ट ऑब्वियस है कंप्लायंस कॉस्ट बढ़नी है आपको याद होगा तो यहाँ पे ओके एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आ गए उनके रिकॉर्ड्स अलग याद आ रहा है एग्जाम्पल वैट डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स अलग यानी अलग अलग लॉ में अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करो अलग अलग अकाउंटिंग करो अलग अलग उनके स्टेटमेंट्स बनाओ अलग अलग रिटर्न दो तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगी बेटा उनके रिटर्न है उनके पेमेंट्स है उनके कंप्लायंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाई कम्पलायंसेस कॉस्ट तो थी ओके okay. ओके हाई कंप्लायंस कॉस्ट थी और अदर्स अदर other में यहाँ पे नॉन इंक्लूजन ऑफ नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन अ स्टेट वैट लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स अब देखो लग्जरी स्टेट टैक्स ही था एंटरटेनमेंट टैक्स भी स्टेट टैक्स ही था पर वो वैट में मर्ज नहीं था नो सैन वैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे बेटा और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कि जी एस टी ने सॉल्व किया जीएसटी ने सॉल्व किया आज अब देखो जीएसटी आने के बाद क्रेडिट का फ्लो कैसा सिमलेस हो गया आप मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो या आप सर्विस प्रोवाइडर हो इन सिंपल वर्ड आपने इनपुट्स खरीदे वैल्यू एक लाख जीएसटी रेट अठारह परसेंट एटीन थाउजेंड बस कोई दूसरा टैक्स नहीं ओके यहाँ पे आपने सर्विस खरीदी पचास हजार जीएसटी एटीन परसेंट नौ हजार और आप सेल कर रहे हो मैं सेल की वैल्यू वही लेता हूं सेल की फिगर मैंने क्या ली थी यहां पे पहले केस में तीन लाख दूसरे केस में तीन लाख तीसरे केस में दो लाख चलो ओके तो यहां पे सेम फिगर लेता हूं अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं होते सप्लाई तो सप्लाई वर्ड यूज होता है और इसको आउटवर्ड सप्लाई अब थोड़ा हो आउटवर्ड सप्लाई तो आप अगर सप्लाई कर रहे हो तो रहे हो वैल्यू जो है तीन लाख रुपए तो अब कोई अलग अलग टैक्सेस नहीं इसके ऊपर जीएसटी रहेगा जीएसटी रेट अज्यूम करता हो अठारह परसेंट तो तीन लाख का अठारह परसेंट अगर जीएसटी लेख है लेखेट तो चौपन हजार रुपये चौपन हजार रुपये ओके तो यहाँ पे ये जीएसटी और स्टेटमेंट क्या बनेगा नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल, आपके पास नोट्स होगी तो आप लिख लो दो मिनट में मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ ये लिख लो अगर नोट्स होगी तो ठीक है आपने लिख लिया चलो नेट जीएसटी वेपल तो अब मैं थोड़ा अपग्रेड करता हूं टैक्स ऑन आउटवट सप्लाय जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई अब नाम लो आउटवर्ड सप्लाई कितना आपका चौपन हजार रुपए लेस आई टी सी ओके आई टी सी ए इनपुट इनपुट के अठारह हजार रुपये और इनपुट सर्विसेज के यहाँ पे नौ हजार रुपये नौ हजार रुपये तो यहाँ पे चौपन हजार रुपये माइनस अठारह हजार रुपये माइनस नौ हजार रुपये सत्ताईस हजार रुपये का जीएसटी आ गया नेट जीएसटी पेबल अब सब पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा और सत्ताईस हजार का नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा ये तो था बेटा मैन्युफैक्चर ओके तो सब टैक्सेस हट गए सिर्फ जीएसटी 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 लगेगा बात को खत्म ठीक है अब दूसरी बात यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर बेटा सर्विस प्रोवाइडर की भी वैल्यू जो है वो सर्विस दे रहा है सर्विस दे रहा है और उसकी भी वैल्यू तीन लाख रुपए है तीन लाख रुपए है और उसके ऊपर जीएसटी जो है एट द रेट यहाँ पे एटीन परसेंट आ रहा है ओके यानी उतना ही चौपन हजार है चौपन हजार रुपये यहाँ पे चौपन हजार रुपये उसका आया तो स्टेटमेंट सेम एज अबाउ जैसे हमने ऊपर निकाला वैसा ही स्टेटमेंट है आपको लिखना है तो लिख लो अब इसमें कोई फर्क नहीं अब अब वो पहले तो भी था कि सर्विस प्रोवाइडर को एक साइज का अलग स्टेटमेंट सर्विस टैक्स का अलग स्टेटमेंट वैट का क्रेडिट नहीं मिलता अब नहीं जीएसटी 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 ओके मन नहीं मान रहा होगा तो मना लो क्योंकि जीएसटी ने अब सबको मर्ज कर दिया सबको इंडिविजुअल खत्म कर दिया है और सबको सबके क्रेडिट दे दिया है ठीक है तो यहां पर सेम स्टेटमेंट आएगा आपको लिखना है तो लिख लो ये पॉइंट ठीक है और ट्रेडर भी अगर ट्रेडर होगा बेटा तो ट्रेडर वैल्यू समझ लो दो लाख रुपए है दो लाख रुपए और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट मैं एक रेट लेके चल रहा हूँ समझने में आसानी होगी यानी दो लाख रुपए इंटू एटीन परसेंट यानी छत्तीस हजार रुपये उसका जीएसटी आएगा और स्टेटमेंट जो है तो स्टेटमेंट नेट जीएसटी पेबल पेबल बेटा तो अब यहां पे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई मेरे साथ लिखते जाओ वह थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड लेस आई टी सी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें ए इनपुट इनपुट का क्रेडिट है अठारह हज़ार रुपये और बी इनपुट सर्विस इनपुट सर्विस उसका क्रेडिट है नौ हज़ार रुपये नौ हज़ार रुपये तो छत्तीस हजार माइनस एटीन थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड यान नौ हज़ार रुपये नौ हज़ार रुपये नेट जीएसटी एस टी नेट जीएसटी पेबल आपका रहेगा यस और नो करेक्ट करेक्ट बेट याशिका करेक्ट उजेर वजनगी वन ओके करेक्ट चलो तो ये यहाँ पे इन सिंपल वर्ड मेरा आपको इतना ही कहना है कि ट्रेडर आज बहुत खुश है जो उसके क्रेडिट बहुत जाते थे एक्साइज के जीएसटी अब जीएसटी में मर्ज होने की वजह से पूरे क्रेडिट उसको भी मिलने लगे मार्केट अब एक लेवल पे आ गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट ठीक है ओके वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट यस करने का सही है आपका चलो तो यहां पे हमने देखा कि जीएसटी आने से फायदा सभी बिजनेस कम्युनिटी का हुआ हुआ ठीक है अब मैं आपको यहां पे जीएसटी पॉलिसी में आगे की डेवलपमेंट क्या है वो समझाना चाहूंगा यहां तक क्लियर सभी सभी यहां तक क्लियर है बेटा चलो बेटा इतना अच्छे से समझ में है? मजा आ गया सर इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ को इजी। थैंक यू निखिल थैंक यू चलो मजा तो आ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी तो पूरा जीएसटी लॉ बाकी है बेटा मैं तो जीएसटी स्टार्ट किया ही नहीं मैंने तो जीएसटी स्टार्ट किया ही नहीं आगे आगे देखो होता है क्या चलो बेटा यहां तक समझ में आया होगा सब बोलिए हां फिर आगे बढ़ता हूं यस yes. अब आप बताइए आप बताओ मैं थेरी नहीं पढ़ाऊंगा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी ये बताओ जीएसटी के क्या प्रिंसिपल है क्या प्रिंसिपल है जीएसटी के और आपके पास नोट्स होती है तो लिखते जाओ या आपके रजिस्टर में लिखते जाओ क्या पर? बताओ एक दो तो बताओ क्या प्रिंसिपल है जीएसटी चलो मैं आपको हेल्प करता हूं क्या जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट लॉ है या वैल्यू एडेड टैक्स बेस लॉ है यानी जीएसटी में भी टैक्स फुल प्राइजेस पे लगते हैं या वैल्यू एडिशन पे लगते हैं नाम होगा जीएसटी पर ऑब्जेक्ट वही है टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन तो पहला ओके okay, पहला प्रिंसिपल जीएसटी का जीएसटी भी वैट बेस ही रहेगा वैल्यू एडेड टैक्स प्रिंसिपल पे ही रहेगा ठीक है वेरी गुड तो चलो लिखो पहला जीएसटी इज ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स ये भी क्रेडिट देता है और ये भी वैल्यू एडेड टैक्स ही है सेकंड अच्छा दूसरा प्रिंसिपल मुझे बताओ जीएसटी ओरिजिन बेस है या डेस्टिनेशन बेस टैक्स है लर्न मत करो यार ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट और आपको क्लिक होना चाहिए जीएसटी का क्या प्रिंसिपल है ओरिजिन बेस या डेस्टिनेशन बेस टैक्स है ओके करेक्ट ओके जीएसटी इज

एस पे कौन कहता है कि उसमें एक प्रिंसिपल है जीएसटी कौन देगा और बर्डन किसको जाएगा तो लिखो जीएसटी इज टेक्निकली जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर पेड बाय सप्लायर बट बट इट एक्चुअली बोन Actually born by consumers. Actually born by consumers. ठीक है ठीक है Next four. अच्छा मुझे बताओ GST सिर्फ एक स्टेज पे लगता है या हर मल्टीपल स्टेज पे लगता है मेरा सवाल यह है कि जीएसटी सिर्फ manufacturing स्टेज पे लगता है लाइक like, एक्साइज या जीएसटी हर स्टेज पे लगता है जैसे जब जब भी सप्लाई होगा बेटा ये नेक्स्ट अगर आप लिख रहे होगे तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा लिखना जान पे आता मेरे तो आप लिख रहे होगे तो मैं डिक्टेट करता हूं नेक्स्ट पॉइंट लिखो करेक्ट मुक्त मल्टीपल स्टेज अगर आप लिख रहे हो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन gst is collected at multiple stage of production and distribution of goods and services i repeat gst is collected at multiple stage of production and distribution of goods and services goods and services in which in which taxes paid on inputs in which taxes paid on inputs are allowed as a set of taxes paid on inputs are allowed as a set of set of against taxes payable on output. I repeat in which taxes paid on inputs are allowed as a set of set of against taxes payable on output. Taxes payable on outputs. Next, GST is a business tax. next likho gst is a business tax <laughs> which is on consumption of goods or services which is on consumption of goods or services which is on consumption of goods or services and and not on personal or hobby activities and not on personal or hobby activities नहीं उजेर थ्रेश लिमिट नहीं चेंज होती है वो फिक्स है मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको एंड नॉट ऑन पर्सनल और हॉबी एक्टिविटीज हॉबी एक्टिविटीज चलिए चलो बहुत अच्छी बात है ये हमने कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी ये देखा बेनिफिट ऑफ जीएसटी हम बाद में देखेंगे अब आ जाओ क्रेडिट सिस्टम इन डि मॉडल ऑफ जीएसटी हाँ ये हमारा एक लास्ट डिस्कशन और फिर जो है आज का सेशन जो है यहाँ रुकेंगे देखो हुआ क्या समझ लो कोई भी यहां पे मैन्युफैक्चरर ले लो सर्विस प्रोवाइडर ले लो या ट्रेडर ले लो अब तो कोई भी ले लो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जीएसटी आने के बाद इन्होंने गुड्स और सर्विसेस परचेज की ठीक है गुड्स की वैल्यू है एक लाख रुपए और ये इन्होंने इंट्रा स्टेट परचेज की इंटरास्ट रेट की तो इनके ऊपर सी लग के आया एट द रेट नाइन परसेंट नौ हजार रुपये और एस जी एस टी लग के आया एट द रेट नाइन परसेंट नौ हजार रुपये डन अब ये सेल कर रहा है इनका वैल्यू एडिशन इनका वैल्यू एडिशन प्रॉफिट प्लस जो भी होगा ये यहाँ पे पचास हजार रुपए है और ये सप्लाई ये भी इंट्रास्टेट सप्लाई ही कर रहे है इंट्रास्टेट स्टेट सप्लाई ही कर रहे है और बेटा क्लियर आ रहा है ना सबको कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है लैगिंग तो नहीं आ रहा है ना ठीक है इसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है जब वो सेल कर रहे है तो वैल्यू एक लाख पचास हजार रुपये और जीएसटी जो है एट द रेट नाइन परसेंट सी जी एस टी और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट नाइन परसेंट तो एक लाख पचास हजार का तेरह हजार पांच सौ तेरह हजार पांच सौ ठीक है अब मैं जो सवाल आपको पूछ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी तेरह हजार पांच सौ ठीक है अब मैं जो सवाल आपको पूछ रहा हूँ वो क्या है वो ये है बेटा ये क्रेडिट लेने जाएगा इसका आउटवर्ड है तेरह हजार पांच सौ उसका इनपुट टैक्स है नौ ये नौ हजार का क्रेडिट वो तेरह हजार पांच सौ में ले लेगा मतलब तेरह हजार पांच माइनस नौ हजार सी जी एस टी का क्रेडिट सिंपल वर्ड में सी जी एस टी का क्रेडिट सी जी एस टी के पेमेंट के लिए ले लेगा यानी नौ हजार अगर मैं उसमें से कम कर दू तेरह हजार पांच माइनस नौ हजार में कम कर दू तो अभी भी पेबल कितना आ रहा है तो अभी भी पेबल जो आ रहा है वो चार हजार पांच सौ रुपए सी जी एस टी पेबल आ रहा है ठीक है चार हजार पांच सौ सी जी एस टी पे रहा है। अब मेरा सवाल क्या है आपसे उसके पास और एक क्रेडिट पड़ा हुआ है और वह एस का उसके पास और एक क्रेडिट पड़ा हुआ है यस yes, मुक्ता सुहानी आशीष यशिका अब उसके पास ये तो ये सी जी एस टी के चार हजार पांच सौ के पेमेंट के लिए है। क्या वो एस जीएसटी का क्रेडिट भी यूज कर सकता है मतलब ये नौ हजार में से क्योंकि नौ हजार का क्रेडिट पड़ा है उसके पास और ये सी जीएसटी के चार हजार पांच सौ के लिए वो यूज कर सकता है क्योंकि अभी भी सी जीएसटी चार हजार पांच सौ पेबल है तो इसके लिए यूज कर सकता है क्या बोलिए कर सकता है या नहीं कर सकता है बोलिए फटाफट आपका क्या कहना है अगर आप पॉलिसी मेकर होते तो आप क्या कहते कि सर दे दो यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं आप क्या कहते अगर आप पॉलिसी मेकर होते यस कनिका प्रगति बताओ जल्दी जल्दी सुहानी का कहना है नहीं सर अब क्यों नहीं उसका कहना है नहीं सर सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में अलाउ करो और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में अलाउ करो एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में अलाउ करो मतलब क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन मतलब सीजीएसटी का एसजीएसटी में या एसजीएसटी का सीजीएसटी में क्रॉस क्यों? क्यों अलग है, अलग -अलग है। सी okay, यूटिला का क्रेडिट ले अभी आईजीएसटी कोई बीच में नहीं लाएगा आईजीएसटी बीच में नहीं लाएगा या आई को मैं पढ़ाऊंगा और मैं पिक्चर में लाऊंगा आप बिल्कुल बीच में मत लाना आईजीएसटी को ओके okay, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके okay, यस yes, ये डिसाइड हुआ था जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ था कि हम क्रॉस क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज होगा एसजीएसटी का क्रेडिट ओके okay, सुनिएगा अब वो क्रेडिट कैसे तो वो कह रहे हैं सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे और क्रॉस क्रेडिट अलाउ नहीं होगा ओके क्रॉस क्रेडिट अलाउ नहीं होगा बी केयरफुल मतलब क्या सर फिर फायदा क्या हुआ यहां तक समझ में आया ओके okay, सीजीएसटी का सीजीएसटी में एसजीएसटी का एस जीएसटी में क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं हुआ सर फिर फायदा क्या हुआ पहले भी तो ऐसा ही था पहले भी ऐसा ही था कि okay, अगर मैं पुरानी प्रोविजन लू अगर मैं पुरानी प्रोविजन लू तो फिर सर ये पुराने इसमें भी तो ऐसा ही था सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट में ओके okay, फिर पुराना ज्यादा अच्छा था ओके okay, यानी ये तो ऐसा हुआ कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल हम तो सोच रहे थे कि वन वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट ओके okay, और किसी भी जीएसटी का क्रेडिट किसी भी जीएसटी में मजा आ गया बॉस ओके okay, ये हुई ना बात ओके okay, फिर फायदा क्या बेटा ओके okay, क्योंकि अगर जीएसटी आने के बाद भी ऐसा ही करना था सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट में तो ओके okay, और क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं था ओके okay, तो फिर ये मैं मानता हूं गौरव ओके okay, सेजल आपकी बात सही है ओके okay, बिल्कुल सेजल अगर सेंट्रल ने एडजस्ट करके दिया स्टेट का तो सेंट्रल का रेवेन्यू कम हो जाएगा स्टेट ने एडजस्ट करके दिया तो स्टेट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और इंडिया में अभी भी फेडरल सिस्टम है अभी भी जीएसटी दो इसमें डिवाइड किया हुआ है बिल्कुल सही प्रगति आपकी बात भी सही है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके ध्यान से सुनना okay, भाई सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में एसजीएसटी का एसजीएसटी जीएसटी में दोनों रेवेन्यू क्यों एक का एडजस्टमेंट देंगे ओके okay, तो आ, अब देखो क्या हुआ ध्यान से सुनना फिर पुराने वाइन में और नई बॉटल में जो नई वाइन डाली जीएसटी की उसमें क्या फर्क है फर्क है फर्क है मैं मानता हूं कि पुराने भी, भी ऐसा था सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट में पर फर्क क्या है बता, बताओ बताओ तो पहले से सिचुएशन में था क्योंकि उसके आउटपुट में सेंट्रल भी था और उसके आउटपुट में स्टेट भी था और उसके सभी क्रेडिट एडजस्ट हो जाते थे उसको कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बेटा ये दो लोग रो रहे थे सर्विस प्रोवाइडर कह रहा था कि मेरे आउटपुट में सेंट्रल ही है स्टेट क्यों नहीं स्टेट okay, क्यों नहीं और ट्रेडर ट्रेडर ये कह रहा था कि मेरे आउटपुट में सिर्फ स्टेट है क्यों नहीं? Okay, उसके से उनको के या और सर्विस नहीं मिल रहे थे पर आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज सबके आउटपुट में सेंट्रल रहेगा और सबके आउटपुट में स्टेट रहेगा सबके इनपुट में सेंट्रल रहेगा ओके आज ऐसा नहीं होगा बेटा आज तुम्हारे आउटपुट में सेंट्रल और स्टेट वो मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो दोनों टैक्स रहेगे इनपुट में भी दोनों टैक्स रहेगे बस इतना ही है कि सेंट्रल का सेंट्रल में क्रेडिट लो स्टेट का स्टेट में तो ये सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर कह रहे वाह सर मजा आ गया ओके okay, बस हमें चलो कोई दिक्कत नहीं सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट में लेकिन एटलीस्ट एटलीस्ट सभी बिजनेसेस के आउटपुट में दो टैक्स तो आ गए सेंट्रल और स्टेट और दोनों को क्रेडिट तो मिला तो यहां पे बेटा ओके जीएसटी आने का ये तो फायदा हुआ ही हुआ कि सबके आउटपुट में सेंट्रल और स्टेट आगे सबके इनपुट में सेंट्रल और स्टेट आगे और क्रेडिट क्रेडिट फ्लो कंटिन्यू रहेगा किसी भी क्रेडिट ब्लॉक नहीं हुआ इस पर हम और बात करेंगे जैसा क्रेडिट सिस्टम इन ड्यूएल मॉडल ड्यूएल मॉडल में ओके okay, आपके इनवर्ट सप्लाई पे सीजीएसटी होगा तो उसका क्रेडिट सीजीएसटी में ही मिलेगा एसजीएसटी होगा तो उसका क्रेडिट एसजीएसटी में ही मिलेगा क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी डज नॉट अलाउड ओके okay, तो कॉस्ट तो बनेगी नहीं ना यहां पे सवाल ही नहीं आता सेजल कॉस्ट कहाँ कहां से बनेगी सेंट्रल का सेंट्रल में मिलेगा है, स्टेट का स्टेट में मिलेगा यह बात आई क्या बेटा आपके समझ में यस और नो यस और नो ठीक है चलो आज यहीं रोकते हैं ओके okay, डिस्कशन को कल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर मैं आईजीएसटी को बीच में लाऊंगा आईजीएसटी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओके okay, अभी आईजीएसटी बीच में नहीं आया है आईजीएसटी को बीच में लाऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा नहीं नहीं वंश वैसा नहीं है वो सब जगह सेंटर का टैक्स कहां लगाया सीजीएसटी और एस जीएसटी का ही लगाया है चलो और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ओके, okay, आज का सेशन यही रोकते हैं। आपकी कोई और डाउट है तो मैं देख लेता हूं अदरवाइज आज का डिस्कशन यही रोकते हैं यशी का लास्ट क्लास बोरिंग ही था क्योंकि थेरी थी लास्ट <laughs> क्लास बोरिंग ही था लेकिन अब इंटरेस्ट आएगा आपको मजा आएगा जीएसटी में चलो आज यही रुकते हैं कल का प्रोबेबली हमारा लास्ट डेमो सेशन होगा और फिर लाइव सेशन जो हमारा चालू होगा वो लाइव सेशन हमारा 15 से चालू होगा तब तक थोड़ा बहुत जीएसटी कर लो और जीएसटी के लेक्चर वी स्मार्ट अकेडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुके हैं आप ऑनलाइन डाउनलोड मोड में पीडी मोड में नहीं ऑनलाइन डाउनलोड मोड में अभी बाय कर सकते हो और पी मोड में आपको दस पंद्रह दिन बाद मिलना चालू हो जाएगा <laughs> shubham <laughs> okay no comments Chalo beta bye i love you okay all the best achayasepado or good day and good night